नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल द श्रेयस होम में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं बिना मावे का शाही पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाही पनीर बनाना। शाही पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम पनीर। इसको ऐसे कट कर लेते हैं। अब गैस चलाते हैं, गैस पे एक कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें पनीर डाल देते हैं। पनीर को धीरे धीरे भुनने देंगे। पनीर फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब ये लास्ट का बचा हुआ पनीर भी डाल देते हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। पनीर फ्राई हो चुका है, इसको उसी प्लेट में फिर से निकाल लेते हैं। अब इस ऑयल को किसी में निकाल के इसी कढ़ाई में पनीर पैन में निकाल के उसमें पानी डालते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर रख देते हैं। अब कढ़ाई गर्म करते हैं, उसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, अब 2-3 प्याज काट के, 2-3 टमाटर कट करके, 2-3 मिर्ची कट करके, काजू, ये सब फ्राई अच्छे से हो चुका है। अब इसको भी एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने देने। ठंडा होने के बाद ये देखिए अच्छे से ठंडा हो जाएगा जब, तो इसको एक जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए इसका ढक्कन बंद करके इसको पीस लेते हैं। फिर से एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, डालेंगे उसमें 3 तेज पत्ते, 2 लाल मिर्च कटी हुई, 2 हल्दी, 1 पेस्ट जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था इसको भी डाल देते हैं इसमें। अब डालते हैं थोड़ा सा नमक, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब ये डालते हैं जीरा पाउडर, ऐड करते हैं सब्जी मसाला, और इसको ढक देते हैं। ढक के पकाएंगे थोड़ी देर। अब इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, इसमें डालते हैं 1 चम्मच चीनी, 1 से इसको पनीर डाल के अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए पनीर बनके रेडी हो गया है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए ठीक है दोस्तों, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना।